नमस्कार, द रूस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सुनने में ये आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली ये तीनों ही इस्तीफा दे रहे हैं। घबराइए नहीं, ये सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा होएगा नहीं, कभी नहीं होगा। आखिर क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, इस पे हम अब आते हैं। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कल सालाना रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें डीमोनेटाइजेशन का जो कच्चा चिट्ठा है वो भी सामने आ गया है। यानी ये कहा गया है, नोटबंदी के बाद जो गिनती हो रही थी नोटों की, वो अब पूरी हो चुकी है। साहब, 1 साल और 9 महीने लगे हैं इस पूरी गिनती को पूरा होने में। और उसके उलट अगर आप देखें तो जो अमित शाह जी हैं, उनसे जुड़े हुए जो कोऑपरेटिव बैंक थे गुजरात में, वहाँ पर तकरीबन 3,118 करोड़ रुपए जमा हुए। उसमें भी अगर मज़े की बात देखें तो 745 करोड़ रुपए सिर्फ 5 दिन में जमा हो गए। अब आप बताइए, एक बैंक में जो जमा राशि होती है वो सिर्फ 5 दिनों में 745 करोड़ रुपए सिर्फ 5 बैंकों में हो जाती है, लेकिन पूरे देश में से जो पैसा आया है, इतने सारे बैंकों ने गिनती नहीं करी, RBI को इतना समय लगा ये फिगर बाहर देने में। फिगर क्या थी? फिगर ये है, 99.3% पैसा जो काला धन माना जा रहा था, जो जाली नोट माने जा रहे थे, जो बेकार नोट माने जा रहे थे, वो सब मिलके अब लीगल टेंडर बन चुके हैं, वो भारत की इकोनॉमी के अंदर घुस चुके हैं। ये वो पैसा है जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक उछाल आएगा, उसमें एक बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी ने उस समय आपसे क्या कहा था, वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1,000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री साहब का एक और स्टेटमेंट सुनिए, अब उन्होंने क्या कहा था। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की ये दोनों स्टेटमेंट्स आपने सुने, अब आप ये बताइए, क्या प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए या फिर नहीं? आप हमें ये बताइए, क्या प्रधानमंत्री को देश के सामने आकर ये कहना चाहिए जो उन्होंने कहा किया, वो अब उस पर अमल कब करेंगे? खैर, इसके अंदर और विस्तार से जाते हैं। कुल जो जमा राशि थी हमारे देश में वो थी 15,41,000 करोड़, जिसमें से कि 15,31,000 करोड़ वापस आ चुका है। यानी कहने के हिसाब से ये देखा जाए तो 10,000 करोड़, मात्र 10,000 करोड़ रुपए ऐसा पैसा है जो देश में वापस नहीं आया। ये वो पैसा है जो काला धन माना जा रहा है, यानी 0.7% ऐसा पैसा है जो देश में वापस नहीं आया है। क्या सिर्फ यही काला पैसा था, क्या सिर्फ यही काला धन था जिसकी वजह से आपने पूरे देश को सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया था? एक अनुमान के हिसाब से अगर आपको हम बताएं, जो भारत ने सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट के ऊपर, यानी जो नए 500 और 2000 रुपए के जो नोट छापे गए थे उसके ऊपर जो पैसा लगा है वो है 7,965 करोड़ रुपए। इसके अलावा जो कुल ATMs हैं हमारे पूरे देश में वो हैं 2,37,000 ATMs, जिनको रिकैलिब्रेट करने पे 100 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्च आया था। यानी अगर आप वो 100 करोड़ और ये 7,965 करोड़ रुपए मिलाएं तो कुल मिलाकर 8,000 से भी पार हो जाते हैं ये पैसे जो खर्च करे गए। ये रिपोर्ट है जो RBI से आई है। तो प्रधानमंत्री जी, आप हमें एक और जवाब दे दें, उन पैसों का क्या हुआ जो सूटकेसेस में बरामद हुए थे, उन पैसों का क्या हुआ जो नदियों में बहाए गए थे, उन पैसों का क्या हुआ जो जलाए गए थे, और वो पैसे जो नेपाल जैसे देशों में रखे गए हैं, इन तमाम पैसों की अभी तक गिनती नहीं हुई है। यानी
जो भी जाली नोट थे, जो भी काला धन था, वो सारा का सारा सिस्टम पे आ चुका है। ये एक ऐसा स्कैम था जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़े बड़े राजनेताओं ने जो गबन करे थे, जो पैसे दबा के रखे थे, उनको वाइट करने का एक जरिया था, जो कि सारे ही राजनेताओं ने और तमाम जो भी बिजनेसमैन थे जिन्होंने इन सारे पैसों को दबा के रखा था, उसको लीगलाइज करने का एक मौका दिया था आपने। प्रधानमंत्री जी की एक और हमें बात याद आती है, उन्होंने ये कहा था कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी समझने में असमर्थ हैं कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ है और इसका कारण क्या है। प्रधानमंत्री साहब, हम भी आपको ये बताना चाहते हैं कि आज तक हमें भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ और सड़क पर पब्लिक को क्यों खड़ा किया गया। अगर हम आपको इसका और एक नेगेटिव रिफ्लेक्शन दिखाएं तो आपको ये समझ में आएगा, 144 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कई लोगों की शादियाँ नहीं हुई हैं, अस्पतालों ने लूट मचा रखी थी, अस्पतालों में कई लोगों के ऑपरेशंस नहीं हो पाए, पैसों के लिए त्राही त्राही कर रहा था हिंदुस्तान का हर एक आम नागरिक। और जो नए नोट जो अभी छापे गए हैं उसके हिसाब से अगर आप बात करें, जो सर्कुलेशन में अभी नोट हैं, 37.7% का इजाफा हुआ है, यानी 18.3 लाख करोड़ रुपए अब सर्कुलेशन में आ गए हैं। यानी जो पैसा था हमारे पास, उसे 37% ज़्यादा जो नोट हैं वो हमारे पास अब वापस आ चुके हैं। अब आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए देश से या फिर नहीं? यकीनन प्रधानमंत्री जी को देश से, पूरे देश से, उन 144 लोगों के परिवार से, उन लोगों से जिनके घरों में त्राही मची, इन सभी लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। कायदे से उनको इस्तीफ़ा भी देना चाहिए। अरुण जेटली साहब की तबीयत ख़राब थी, वो अब वापस लौट आए हैं, लेकिन उनको जो आता है वो कर रहे हैं, यानी बातों को शिफ्ट करना उनको बहुत अच्छे से आता है। इस मसले पे उन्होंने कोई बात नहीं करी, ना प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ना अमित शाह कर रहे हैं, ना हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब कर रहे हैं, जो कि इन्हीं लोगों ने ये पूरा ब्लंडर खेला था, लेकिन ये कुछ नहीं बोलेंगे। आप फ्यूचर में भी देखेंगे ये एक चूं तक नहीं करेंगे। अरुण जेटली साहब रफाल डील के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर एक और डिफेंस मिनिस्टर वहां पे नियुक्त हैं जिनको जवाब देना चाहिए या फिर जिनको बात करनी चाहिए, लेकिन उसके उलट हमें उलझाया जा रहा है रफाल डील और बाकी चीज़ों को लेकर, लेकिन इस बात पर कोई भी जवाबदेही बीजेपी की ओर से अभी तक नहीं आई है। यकीन करते हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी खुल के सामने आएंगे और हम सबको ये समझाएंगे, बताएंगे कि डीमोनेटाइजेशन से देश को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी वो कहेंगे वो सच होगा। बने रहें हमारे साथ रूस्ट न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।